कोटा से है, जहां पर शहर में कोई भी होल्डिंग्स अवैध नहीं होते। नगर निगम के बायलॉज में निजी भवनों पर होल्डिंग्स लगाने का नियम है, वह शुल्क भी निर्धारित है। उसी के तहत विगत 20 वर्षों से नगर निगम क्षेत्र कोटा में निजी भवनों पर होल्डिंग्स लगे और विगत वर्ष नगर निगम को इससे 70 लाख की आय भी हुई है। सभी साइट पर निगम और मकान मालिक की परमिशन लेकर ही होल्डिंग्स लगाए गए, किंतु एक समाचार पत्र जो खुद भी इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जानबूझकर शहर के एडवर्टाइजर्स की परमिशन लेकर लगाए गए होल्डिंग्स को अवैध बताकर उनको बदनाम करने की साजिश रचता रहता है, जिससे वे आहत हैं। एडवर्टाइजर्स एसोसिएशन के सचिव आसिफ खान ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नगर निगम होल्डिंग्स लगाने से पहले उसकी राशि के चेक एवं डीडी लेता है, फिर राज्य सरकार का आदेश बताकर उनके होल्डिंग्स हटाने का आदेश देता है। उधर जिसके मकान पर होल्डिंग्स लगता है उसके और एडवर्टाइजर्स के बीच एग्रीमेंट होता है, उसकी साइट का उपयोग करने के लिए मकान मालिक की भी लाखों का पेमेंट करना पड़ता है। बीच में होल्डिंग्स हटा देने से एडवर्टाइजर्स का पेमेंट मकान मालिक में अटक जाएगा, इस तरह एडवर्टाइजर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हमारे को बिना किसी नोटिस के एक अखबार के माध्यम से पता लगता है कि हमारा होर्डिंग्स का पैसा नगर निगम नहीं लेगी और वो हटाने का कार्य करेगी। हमारा आग्रह है नगर निगम से, यहाँ के स्थानीय सरकार से, कि इस होर्डिंग्स को जो व्यवसाय है निजी होर्डिंग का, उसको लीगल किया जाए और उसका पैसा नगर निगम ले, क्योंकि विगत वर्षों में हमने 2019 में 70 लाख का नगर निगम को सिर्फ प्राइवेट होर्डिंग्स का कर दिया।